सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीपी सिंह है। सर कहाँ से आए हो आप? मैं जगीरपुर लुधियाना के रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम पहले बजरंग बली का पूजा करते थे। कुछ दिन बजरंग बली की पूजा करते करते उनको छोड़ करके फिर शंकर भगवान की पूजा करने लगे, और शंकर भगवान की पूजा करते करते मैं अमरनाथ तक गया। अमरनाथ भी होकर के आया शंकर भगवान का। उस दिन मैंने डिसीजन किया कि जब भी मैं मरूंगा तो शंकर भगवान के चरणों में अमरनाथ जा करके मरूंगा। सबको पूजा करते थे, लेकिन पूजा करते करते हमको ये पोजीशन आया कि दिन प्रतिदिन हमारी सेहत डाउन हो गया और सब कुछ ख़त्म होने वाला हो गया। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार बीमार पड़ गया। तो बीमार कैसे पड़ा? हमारा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ था। हाइड्रोसिल ऑपरेशन ठीक हुआ तो हमारा एक दिन बुखार लगा, दूसरे दिन हमने सेल डाउन हो गया। सेल डाउन इतना हो गया 1 लाख बचा। 1 लाख के बाद में हमको पानी चढ़ाया गया। पानी चढ़ाने के बाद में दिन प्रतिदिन सेल डाउन होता। अब सिर्फ मेरे को 4000 सेल बचा था। 4000 सेल में डॉक्टर बोलता है कि तो कोई जिंदा ही नहीं होता 4000 में। सर जैसा कि आप देव देवताओं की पूजा करते थे, भगवान शिव के अंदर आपकी बहुत दृढ़ आस्था थी, तो सर उन पूजाओं को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? हम पहले बच्चे लोगों को पढ़ाते थे, तो हमारे पास एक भगत जी आए थे, दुर्गेश दास नाम था। उन्होंने मेरे को बोले कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए। मैं बोला हमारे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोले 10 बजे रात में पढ़ाओ। मैं बोला टाइम ही नहीं है, 10 बजे मैं ड्यूटी से आता हूँ। कहते कितना पैसा लोगे? हम कि चाहे जितनी पैसा दे दो हम नहीं पढ़ाएंगे। बोलता मैं तुमको 5000 रुपया ट्यूशन फीस दूंगा, पढ़ाओ मेरे बच्चे को। मैंने बोला 5000 तो छोड़ो, 50000 रुपया भी दोगे तो तुम्हारी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। दूसरे दिन जब ड्यूटी से मैं आया, बच्चे 2-3 बैठे हुए थे पढ़ने के लिए, उनकी भी बच्ची आ गई। मैंने बोला कि बच्ची को तो मैं पहले बोला कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये बच्ची हमारे पास आई कि हम अपनी भगवती जी को, हम अपनी वाइफ को बहुत डांटा कि हमारे घर में ये लड़की नहीं आना चाहिए पढ़ने के लिए, बच्चे को हम नहीं पढ़ाते। पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन उब गया था, हम इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहते थे किसी को। तो उस दिन तो उस लड़की को मैंने भगा दिया। दूसरे दिन फिर आ गई लड़की। मैंने बोला आज ये लड़की क्यों आई है? तो कहता उसकी डैडी गेट पर है। मैंने बोला खबरदार, उसके बाप को अंदर नहीं आने देना, अगर उसका बाप अंदर आ गया तो सबको घर से बाहर निकालूंगा। फिर वो लड़की को बोले चल छुट्टी हो गया, जाओ हो गया पढ़ाई ख़त्म। वो लड़की गई और उसने एक किताब लेके आ गई। बोलता है कि हम बोले कि अभी क्या करने आई हो, अब तो छुट्टी कर दिया तो फिर दोबारा किस लिए आई हो? कहता है ये किताब लीजिए। मैं बोला कि ओ तेरी की, किताब लेने आया, मत्थेपन मैंने हारा। मैं बोला हम जो भी पढ़ते हैं पॉजिटिविटी टूट के किताब पढ़ते हैं, दूसरा किताब तो पढ़ती ही नहीं है, रख दे उधर, हमें क्या कर लेना किताब से। उसके बाद में बोला वो लड़की तो चली गई। उस किताब में मैंने ये देखा ज्ञान गंगा लिखा हुआ था। मैंने मन में सोचा कि ज्ञान गंगा लिखने का कारण क्या होगा? इसका मतलब है कि इसमें जो ज्ञान है, जो भी ज्ञान है वो गंगा की तरह पवित्र हो गया। दूसरी बात, तो जब किताब अट्रैक्टिव हो गया, मैंने उसको खोल के पढ़ने लगा तो उसमें देखे हैं लिखा हुआ था कबीर साहब जी। मैंने फिर माथा पर हाथ मारा, मैं बोले हो गया सत्यानाश, ये कबीर जी तो उल्टे ही वाणी बोलते हैं। ठीक है, मैंने मन में सोचा कि जब उल्टा ही वाणी बोलते हैं तो मैं किताबें भी उल्टा ही पढ़ के देखता हूँ। जब एक बार किताब पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते 12 बज गया। पहला स्टोरी पढ़ा, भक्तों की मतलब जो उसमें अनुभव लिखा होता है वो मैंने पढ़ा। फिर दूसरा अनुभव पढ़ा, फिर 1 बज गया। फिर मैंने किताब बंद किया, सो गया। दूसरा दिन मैंने सवेरे छुट्टी करके आ गया, खाना खा करके, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने किताब पढ़ने लग गया। किताब मैं पुट्ठा ही पढ़ता था, सीधा नहीं पढ़ता था, उल्टी साइड से। तो उसके बाद में किताब पढ़ने से हमें इतना मतलब चालू हो गया कि अंदर में मेरे को बेचैनी हो गया। फिर जो किताब दिया था उसको मैंने एक कॉलर पकड़ लिया यहाँ से। मैं बोला तुमको जान मार दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा, दो ही बंदे लुधियाना में रह सकते, या तो तुम रहोगे या मैं रहूँगा। कहता आखिर बात क्या है? मैं बोला कि जहाँ पर ये आश्रम है वहाँ मेरे को पहुँचा दो, नहीं तो 2 दिन के अंदर मैं तुमको जान मार दूंगा। उसने कहा किया कि जी एक बंदे को भेजा, इतना छोटा सा लड़का था, उसको बोला कि इसके साथ चले जाओ। उस लड़का को मैंने कॉलर पकड़ा, मैं बोला कि अगर आश्रम तक तो पहुंचा दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो हम कराटे जानते हैं, हम तुमको मार देंगे जान। कहता हम पहुंचा देंगे। जब वहां पर गए, वहां की रौनक देखे, सतलोक आश्रम बरवाला में,
आज तक तो ऐसा रौनक मैं अपने कहीं पर जिंदगी में देखा ही नहीं। वहाँ का जो मान सम्मान इज्जत, खाने पीने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, रहने का ढंग, आज तक मैंने अपना घर में देखा ना ससुराल में देखा, कहीं नहीं देखा। वहाँ से मैंने नाम दाम लेकर के मैं वापस आ गया। जब वापस आ गया हमारे साथ एक लड़का भी गया था, छोटा लड़का था, वो लड़का भी साथ में आ गया। वो लड़का बोले लगा वहाँ पर हलवा भी खाने को मिलता है, पूरी भी खाने को मिलता है, चावल खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलता है। उतनी 10 दिन के अंदर में हमारा बच्चा ने ऐसी मोटिवेशन हमारी बात में, हमारे पूरे परिवार जा करके वहाँ पर नाम दाम ले लिए। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 12/6/2014 में मैंने नाम दाम लिया। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के किन बातों से प्रभावित हुए? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हुए या उनके आश्रम में दी जाने वाली सुविधाओं से? नहीं, जो मैंने किताब पढ़ा उसमें जो भक्तों ने लिखा था कि हमारे ये फायदा हुआ, ये फायदा हो गया, हम बचपन से वही चाह रहे कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मंत्र है जिससे इतनी फायदा हो रहा है, हम तो उस चीज़ के तलाश में थे। सर आपने पुस्तक के माध्यम से भक्तों के अनुभव को जाना, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर हमारा तो बहुत अनुभव है, हमारी तो दिन प्रतिदिन का अनुभव है। जब मैंने नाम दाम लेके आया था उस समय हमारा कारोबार सारा बंद हो चुका था। मैंने परमात्मा से अरदास लगाया कि हे परमात्मा, इस धरती पर हमारे जितना गरीब बंदा आज तक ना तो कोई पैदा हुआ है, नहीं होगा। मैं 15-15 दिन तक रोटी नहीं खाता था, प्याज उबाल के खाता था, आलू उबाल के खाता था। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हो? हम पढ़ाते थे, पैसा आता था, लेकिन वो पैसा हमारे घर में नहीं आ पाता था। उस डॉक्टर को चले जाता था, कभी उस डॉक्टर को चला जाता था, जो भी पैसा आता था, पैसा आने से पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए एस्टिमेट बन जाता था। तो सर क्या लाभ हुआ? सर लाभ ये बता हुआ कि सबसे पहले हमारी हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ। हाइड्रोसिल ऑपरेशन के बाद 1 महीना तक मेरा टाका ही नहीं कटा। दूसरी बात है कि जब टाका सही हुआ उसके बाद में हमारे बीमार पड़ गए और हमारा शरीर का सेल डाउन हो गया। सेल इतना तक डाउन हो गया, इसी कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना कैंसर हॉस्पिटल में मेरा सेल डाउन हुआ था कि डॉक्टर भी बोल दिया था कि सुबह तक ये आदमी मर जाएगा। जब डॉक्टर बोल दिया कि सुबह तक आदमी मर जाएगा तो हमारी घरवाली रोना धोना शुरू कर दिया। 4,000 तक हमारी सेल की संख्या हो चुकी थी और हम 5 भाई हैं, 5 भाई में 4 भाई मेरा मर गया है, हम अकेला भाई थे जो एक थे। तो मैं ये सोच रहा था कि अब हमारा भी नंबर लग गया। तो हमने गुरुजी के पास फ़ोन किया, संत रामपाल जी के पास मैंने फ़ोन किया, तो संत रामपाल जी भगवान जी ने बोले कि जिसको आपको आसरा है, जो आपको मदद कर सकता है, उसके पहले फ़ोन कर लो। 1 घंटा तक सबको फ़ोन मिलाया, फ़ोन ने किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि स्विच ऑफ कर लिया। फिर संत रामपाल जी मेरे गुरुजी बोले कि बेटा अब तू नहीं मरेगा। जब हमारे बोल दिए कि बेटा तू अब नहीं मरेगा तो हमारी रोनी गर्म पत्नी रोना बंद कर दिया। उसके बाद में मेरे को अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या हुआ। इतना मेरे को पता 1 बजे रात में एक आदमी आया, इसमें सिरिंज चलाया, एक इसमें सिरिंज चलाया। सुबह होते होते डॉक्टर सबसे पहले मेरे पास आ गया, कहता ये बंदा जिंदा कैसे है? तो कहता कि जिंदा है भाई, अब ठीक लग रहा है। कहता इसको तो सुबह होते होते मर जाना चाहिए था, इसका रिपोर्ट लगाओ। जब रिपोर्ट दोबारा मंगाया तो उसमें 16,000 मेरा सेल बना हुआ था। डॉक्टर बोल रहा, मेरी घर वाली मेरी पत्नी को बोला कि इधर आओ, बोला के बोलता है कि तुम किस देवी देवता का पूजा करते हो? उन्होंने बोला कि हम संत रामपाल जी को हम पूजा कर मानते हैं, हमारा गुरु हैं, उन्हीं को दिए हुए को हम पूजा करते हैं। तो बोले कि अब उनकी बदौलत से ये बच गया, वैसे बचने वाला ये नहीं था। जब इतना बात बोला तो हमारे को भी आंखों में आंसू आने लगा कि परमात्मा की दया से आज बच गया। फिर दूसरा ये पॉइंट है कि एक कारों के शोरूम में हम चौकीदारी करते थे। चौकीदारी में क्या होता था कि उस दिन बरसात के सीज़न में मैं अकेला ड्यूटी कर रहा था चौकीदारी का, और वहाँ कोई बंदा नहीं था। रात में बारिश पड़ रहा था, सुबह 7:30-6 बजे के नियरवाट में आग लग गई। आग कैसे लगी हमें भी पता नहीं लगा, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद था।
कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, उसमें आग लग गया। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जल के राख हो गया। सुबह जब मीडिया वाले आए, पुलिस वाले आए, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इसने खुद आदल आग लगाया है, क्योंकि यहाँ तो कोई आया नहीं है, तो इसने आग कौन लगाएगा। सब बोलता था तूने आग लगाया, कैसे आग लगाया। मैंने बोला कि मैंने आग नहीं लगाया हूँ, कैसे आग लगा वो भी मेरे को पता नहीं है। तो लोग कहता है कि इस अकेला आदमी है, आग लगी है, इसका कहता कि पता नहीं, इसका मतलब इसी का हाथ है, इसको भी आग में डाल दो, 1 करोड़ रुपया जल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी मर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा एक मत हो गया और चारों तरफ से हमारे को कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ टॉर्चर करने लग गए। मैंने कहा कि अपने आश्रम में संत रामपाल जी भगवान मालिक के पास मैंने हमने फोन मिलाया, वहाँ से मेरे को रिप्लाई आया कि बेटा आग लगी ठीक है, भागना नहीं, वहीं पर रहना, और तू ये काम कर। मैं बोला कि यहाँ पर हमारे को लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि आग में इसको डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर बोले तू भागना नहीं, तू अपना मंत्र चालू कर। जैसे मंत्र मैंने चालू किया, लोग वहाँ से हटना शुरू हो गए, शाम तक भी नहीं हटे। शाम को सब अपने ड्यूटी से जा रहे थे, उस समय एक बंदे को मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला कि सुबह से सब हमारे को बोल रहे हो कि इसको जान मार दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अब हमारे से क्यों नहीं पूछ रहे हो कि आग लगी कैसे। एक बंदा बताया कि अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि आग कैसे लगी। मैं बोला इसका रीजन बताओ, क्यों नहीं आग लगे, कैसे, क्यों नहीं पूछेगा। कहता है कि सारा 12-14 कमरे थे और सारा बंद थे, अब ये नहीं पता कि जिसमें आग लगी थी वो कैमरा चालू कैसे हुआ। उस कैमरे ने बता दिया कि बारिश के वजह से पानी टप 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 गिर रहा था और उसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लग गया और उसके कारण जल गया। उसको बाद में फिर दोबारा मेरे से कोई नहीं पूछा। तीसरा लाभ, हमारी पत्नी को सीने में दर्द होता था, उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो बोलता है कि पित्त में पथरी है। मैंने बोला पित्त में पथरी है तो ठीक है, हमारे अगल बगल वाले बंदे 3-4 बंदे को भी पित्त की पथरी उसी डॉक्टर ने बताया था और सबको ऑपरेशन हो गया। तो हमने बोला कि नहीं, हम संत रामपाल जी को मानते हैं और हमारा गुरु है, जो कहेंगे वही करेंगे। हमने फ़ोन लगा के बोला कि हे मालिक, ना तो हमारे पास पैसा है और ना मैं इनकी ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, ये बच्चा आपका है, आप जाने, हमारा तो काम सिर्फ भक्ति करना है। मैंने अपनी पत्नी को बोला 2 दिन को टाइम दो, 2 दिन के बाद में अगर हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, गुरु जी जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। गुरु जी को फ़ोन किए, गुरु जी ने हमारे को रिप्लाई में बोले कि बेटा जिस डॉक्टर के पास तूने बोला था कि पित्ते में पथरी है, तुम उसी के पास जाकर के दोबारा चेक करा लो। दूसरे दिन जब 2 दिन के बाद जब मैंने चेक कराने गया तो हम साथ में गए थे, जब हमारे सामने चेक किया तो पथरी था ही नहीं। ये चमत्कार है हमारे साथ। तीसरी बात, हम अपने घर में जब बारिश होता था, चौथा पॉइंट बता रहा, जब बारिश होता था चारों तरफ से पानी चूता था, इतनी इतनी घर में पानी हो जाती थी, दिन भर पानी ऐसे ऐसे उपजते रहते थे। मैंने एक बार अरदास लगा कि हे मालिक, हमारे पास तो रहने के लिए भी जगह शरण नहीं है। उसी 2 महीने के अंदर में लेंटर पर गया, घर बन गई। दूसरी बात है, जब गर्मी का मौसम आता था किसी दूसरे के घर से हम बर्फ़ मांगते थे। एक दिन मेरा लड़की मांगने गया कि भाई हमारा पानी पीने का मन था, थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। उस लड़का ने बात क्या कहा, आज लाइट था, ऐसे बोला। उसके थोड़े दिन के बाद में मैंने अपने घर में एक फ्रिज लेके आ गया। फिर गुरुजी का सत्संग आता था साधना चैनल पर, संत रामपाल जी का सत्संग आता था साधना चैनल पर। हमको सत्संग के बिना हमको बेचैनी हो जाता था। जब हम किसी को घर में जाते थे देखने के लिए टाइम से, तो बोलता था हमारा तो सीरियल नुकसान हो जाएगा, हमारा सीरियल नुकसान होगा। फिर परमात्मा को अरदास लगाए तो आज तक 30 साल के अंदर में एक झुनझुना नहीं खरीदा, आज 32 इंच का मैंने LED खरीद कर देख रहा हूँ। चौथी बात है, जब मैं थोड़ा जो भी पैसा हम कमाते थे, हमारी बच्चे का, एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको बचपन से ही सारा शरीर जो है हाथी का चमड़ा जैसा था। हमारे घर में हमारे बच्चे, दूसरे बच्चे बोलते थे हाथी का चमड़ा आ गया, हाथी का चमड़ा आ गया, उसका शरीर ऐसे फट जाता था सारा शरीर। तो हमने बोला बच्चे को कि बेटा आश्रम में तो जाएंगे, गुरुजी ने आशीर्वाद दे रहे थे। लड़का ने बोला कि गुरुजी हमारा शरीर देख लो। गुरुजी ने सारा शरीर देखे
जबकि हमारा लड़का का बीमारी बचपन से ही था, 3 साल का ही से था, और नमोनिया, वो डॉक्टर भी बोला था कि इसका नमोनिया नहीं जाएगा, इसका बीमारी नहीं जाएगा। पीएमसीएच पटना बिहार का सबसे टॉप हॉस्पिटल है, पीएमसीएच का डॉक्टर उसका इलाज नहीं किया। लुधियाना का देसी का हॉस्पिटल, उससे भी सही नहीं हुआ, बड़े बड़े डॉक्टर से मैंने दिखाया, नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक ही बात बोले कि बेटा जाओ, भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। आप यकीन माने 20 दिन के अंदर में हमारा लड़के का शरीर सही हो गया, बिना दवाई का ये हमारा फायदा हुआ है। और आज परमात्मा की दया, गुरु जी के, संत रामपाल जी की दया से घर में सुख शांति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी को, भगत समाज को हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं कि जिस तरीका से जिस भी भगत भाई को कोई भी बीमारी है, हमारे गुरु जी कहते हैं कि कैंसर होवे चाहे कैंसर का बाप होवे, भक्ति करो, कैंसर का बाप भी भाग जाएगा। कोई भी बीमारी है, आज तो लाखों प्रमाण मंगला, जितनी शुगर की बीमारी आज तक कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर पा सकता है, संत रामपाल जी के मस आशीर्वाद से, मंत्र से ही सारा रोग भाग जाता है जी। धन्यवाद। सत्य।